मित्रों जय श्री कृष्णा, मैं नीलेश जोशी। आज देश में चुनाव का माहौल ऐसा रंग पकड़ा है, कल से तो मतदान शुरू होने वाला है, तो मैं सोचा कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं, शायद वो आपको अच्छी लगे। और आज के देश के जो चुनाव के माहौल में, देश का जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसके माहौल में आपको कैसे लगते हैं आप नक्की करना खुद। ये 7 भविष्यवाणियां की गई थी कभी, तो आज के माहौल में वो कितनी ठीक बैठती है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो है स्वातंत्र्य वीर सावरकर की भविष्यवाणी, जो सावरकर जी ने बलिदान दिया हमारे देश के लिए, जो भोग दिया है, वो तो मेरे ख्याल से भारत में एक ही एग्जाम्पल है, बाकी दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं। सावरकर जी 28 साल काला पानी की सजा भुगती, ये बेवकूफ राहुल गांधी बोलता है कि उसने माफी मांगी, अरे गधे, उसका जैसा तुम सोच भी नहीं सकते हो। माफी की तो बात छोड़ो, टेक्निकली तो जीतने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, लेकिन उसकी भविष्यवाणी सुन लो जो तुम्हारे लिए सचोट साबित होती है। एक दिन ऐसा आएगा जब वोट के लिए कांग्रेस के नेता कोर्ट पर जनेऊ पहनेंगे। ये जनेऊ पहनता है, उसको मालूम नहीं कौन से कंधे पे जनेऊ पहनी जाती है और जनेऊ पहनता है, वो खुद को बोलता है मैं फला गोत्रधारी ब्राह्मीन हूं। अरे कैसे तू ब्राह्मीन हो सकता है, तेरा दादा मुसलमान या पारसी जो भी था, तेरा बाप पारसी या मुसलमान था जो भी था, तेरी मां क्रिश्चियन है, तू कैसे कौन सा गोत्रधारी ब्राह्मीन हो गया, कहां से हो गया। इनको कोई अकल देते है कि नहीं देते है, सची में। वो हमारे तो गांव में तो इसके लिए बहुत अच्छा मुहावरा था, लेकिन मैं इधर नहीं यूज करना चाहता हूं, शायद कुछ बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरा जो एक भविष्यवाणी है, अटल जी ने किया था 1999 में, जब एक मत की वजह से उनकी सरकार गिर गई थी, तभी उसने बोला था एक दिन पूरे देश पर भाजपा का राज होगा। वो अंशतः तो पूर्णतः, जैसे ही सच तो सच है, आज भाजपा का ही तो जय जयकार है सब जगह में। हाँ, और केशव बलिराम हेडगोवर की भविष्यवाणी है कितनी सचोट और कितनी अच्छी है, मुझे तो, मैं सत सत नमन करता हूं केशव बलिराम हेडगोवर को। केशव बलिराम हेडगोवर एक दफा कांग्रेस में थे, तो उसने बोला 1992 में नागपुर अधिवेशन में कि मैं आज कांग्रेस छोड़ रहा हूं, पर मैं शपथ लेता हूं कि मैं इस कांग्रेसी विचारधाराओं के विरुद्ध ऐसा संगठन खड़ा करूंगा जो इसका नामो निशान मिटाकर रख देगा, चाहे उसके लिए मुझे 100 साल क्यों ना लगे, 800 साल की गुलामी में 100 साल और सही, पर यही संगठन भारत को फिर अखंड बनाकर रहेगा। और केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की, और आरएसएस का योगदान आज आपको विदित है। चौथी भविष्यवाणी है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद तो हमारे सबके प्यारे हैं, उनको कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया में हिंदुत्व का डंका बजाया था। वो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला जिस दिन मरा हुआ हिंदुत्व गर्व से कहेगा कि मैं हिंदू हूं, इस दिन अमेरिका भी भारत की परंपराओं के सामने नतमस्तक होगा और कहेगा कि फलां देश को समझाओ, ये करो वो करो, हमारी इधर मदद कर दो, हमें उधर ये कर दो, जो आज यूक्रेन युद्ध में सच साबित हो रहा है, मिडिल ईस्ट में कोई बातों में सच साबित हो रहा है, और भारत का रोल सबको विदित है। और जब भी इंदिरा गांधी ने एक ही दिन में 400 साधुओं की, एक घंटे में, नोट, एक ही दिन में 400 साधुओं की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, तभी सब सुप्रीम कोर्ट किधर गया था। हाँ, ये सब आज कोर्ट में फैसले सुनाते, दिखने के फैसले सुनाते हैं। तो करपात्री महाराज ने बोला था कि एक दिन हिमालय से एक साधु आएगा आधुनिक वस्त्रों में, और वो संसद पर कब्जा करेगा और कांग्रेस की विचारधारा को नष्ट कर देगा, यह एक ब्राह्मण का साप है और ब्राह्मण का साप कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये 1966 में करपात्री महाराज ने बोला था। छठी विचारधारा है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट है, मेरे हिसाब से तो जीनियस है। तो उसने 2009 में बोला था कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए इतनी नीचे गिर जाएगी कि जेएनयू जैसे नेहरू के वामपंथी सेक्स केंद्र किनारों का समर्थन करेगी कांग्रेस, टेररिस्ट लोगों का समर्थन करेगी, और गौहत्या करने वाले का खुलम खुला समर्थन करेगी, और स्वयं को नक्सली साबित करेगी, वो जो आज सच हो रहा है। मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में इलेक्शन में ऐसा माहौल है कि शायद 2024 का ये इलेक्शन के बाद कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा, या इतनी सीट मिलेगी कि वो सीट ही नहीं बताई जाएगी।
2002 में बाला साहब ठाकरे ने बताया था कि नरेंद्र मोदी ही भारत का भविष्य है। 2002 के गुजरात दंगों के लिए मोदी को दोषी मत ठहराओ, वो निष्पाप है। फिर अटल जी और अडवाणी जी ने उसकी बात मानी और अटल जी ने 2002 के दोषी दंगों के लिए मोदी को नहीं दोषी ठहराया। और इसके बाद 9 जून को अटल जी ने गोवा में नरेंद्र मोदी को कंटिन्यू किया, वरना आज देश को नरेंद्र मोदी जैसा नेता नहीं मिलता। ये स्वात अब भविष्यवाणियां है, सबके साथ आप शेयर करिए, दूसरे लोगों को बताइए, वीडियो देखिए और वीडियो सबके साथ शेयर करिए। भारत हमारा गौरव है, नरेंद्र मोदी हमारा गौरव है, सनातन हमारा धर्म है और सनातन की वजह से ही हम लोग ये जगह पे आज जो है वो है। सनातन को आगे बढ़ाना है, सनातन की विचारधारा ही ये देश को और विश्व को बचाएगी। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, आप सबका धन्यवाद, आप सबको एक बार और प्रणाम। ये वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, आप देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका खूब खूब धन्यवाद।